हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी बायोलॉजी. दिस इज़ पूजा मौर्य. आई होप यू ऑल आर फाइन. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी प्रोडक्शन ऑफ वाइटमिन्स, की बायोटेक्नोलॉजी को हम वाइटमिन के प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक वी कैन यूज सर्टेन बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनी फंगस टू प्रोड्यूस दी एंटीबायोटिक्स और दी वाइटमिन्स. तो सबसे पहले हम वाइटमिन B12 की बात करते हैं, विच इज़ द कोबालमिन. तो वाइटमिन B12 जो है, हम एक दिस वी कैन यूज दिस बैक्टीरिया, दिस इज स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस. तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस को यूज़ करके वी कैन मेक वाइटमिन B12. तो इसके लिए जो pH रिक्वायर है, दैट इज 6 to 7, 7 pH तक रिक्वायर होता है, 6 to 7. और ये यू कैन से 25 डिग्री सेंटीग्रेड to 28 डिग्री सेंटीग्रेड में 3 से 4 दिन में यू विल गेट दी लॉट ऑफ वाइटमिन B12 फ्रॉम दिस बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया को यूज़ करके वी कैन मेक दी वाइटमिन्स एज वेल. तो बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. हालांकि बैक्टीरिया हमेशा डिजीज कॉजिंग ही होते हैं, बट सर्टन बैक्टीरियाज आर वेरी यूज़फुल. अब दूसरे वाइटमिन की बात करते हैं, लाइक जैसे कि राइबोफ्लेविन है. अब राइबोफ्लेविन में वी कैन यूज़ दिस फंगस. इस फंगस को यूज़ करके हम राइबोफ्लेविन बना सकते हैं. द नेम ऑफ दिस फंगस इज एस्बेया गोसाइपी. ठीक है, एस्बेया गोसाइपी. तो इसमें जो हम pH यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द सेम pH 6 to 7 और 7.7 तक, 5 तक. तो 4 से 5 दिन में एट 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एरोबिक कंडीशन में वी कैन गेट दिस वाइटमिन बी, राइबोफ्लेविन. नेक्स्ट इज़ द वाइटमिन सी. अब वाइटमिन सी इज़ द एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड सबसे पहले इन्वेंट हुआ था कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये स्कर्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी लोग स्कर्वी से लाइक इन्फेक्टेड है, इफ़ दे आर टेकिंग वाइटमिन सी, तो इट इज़ वेरी इजीली क्योरेबल. तो इसको एक बैक्टीरिया से आइसोलेट करने के लिए 1978 में एक साइंटिस्ट थे, दैट वाज ऑफ द यू कैन से द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज डॉक्टर टेडियस रिचलस्टेन. और ये स्विस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट थे. सो इन 1978 ही जस्ट आइसोलेटेड दिस वाइटमिन सी फ्रॉम दिस बैक्टीरिया ग्लूकोनोबैक्टर ऑक्सीडेंस से वाइटमिन सी बनाया गया. और ये वाइटमिन सी का भी जो pH है, दैट इज 6 to 7, और ये 45 आवर्स में एट एरोबिक कंडीशन वी गेट दिस बैक्टीरिया विद इन 1.5 डे. ओके, एंड वाइटमिन ए है, विच इज़ द बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन के लिए हमने वी कैन यूज दिस ग्रुप ऑफ फाइकोमाइसिटीज. ठीक है, फाइकोमाइसिटीज इज अ फंगस. तो ये तीनों फंगस है, फाइकोमाइसिटीज ब्लैकिलीमेंस एंड कोएनियोफोरा कुकरबिटेरम ब्लैक्सीलिया ट्राइस्पोरा. तो इन सब फाइकोमाइसिटीज के क्लासेस को यूज़ करके वी कैन प्रिपेयर वाइटमिन ए. तो ये तीनों ही वाइटमिन्स, चारों ही वाइटमिन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम नॉर्मल वाइटमिन एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं या बॉडी प्रिपेयर करती है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो इफ़ एनी पर्सन इज डेफिशियंट इन वाइटमिन, सो इफ दे अफोर्ड द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो इन वेरी लेस अमाउंट वी कैन एक्चुअली प्रिपेयर दिस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, और यू कैन से ट्रांसजीन वाइटमिन्स इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम. तो अब हम वाइटमिन्स के बाद विल डू द स्टीरॉयड. स्टीरॉयड भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये देखते हैं कैसे स्टीरॉयड इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉट आर स्टीरॉयड्स. तो स्टीरॉयड्स आपने पढ़े होंगे, लाइक जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, दे एक्चुअली इनटेक दो स्टेरॉइड्स. तो स्टेरॉइड्स आर एक्चुअली क्रिस्टलाइन लिपिड्स. ओके, दीज आर क्रिस्टलाइन लिपिड्स ऑफ दी. और ये जो लिपिड्स होते हैं, जो भी स्टेरॉइड्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दे आर ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट. ओके, दीज आर क्रिस्टलाइन लिपिड्स ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट. तो यू कैन से इसमें दो कार्बन के रिंग होते हैं अलग अलग. एक तो है, वी हैव 1 8 कार्बन रिंग, और इसमें होते हैं दूसरा 3 6 कार्बन रिंग. ये इसके रहते हैं स्ट्रक्चर में. अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एक इसमें 8 कार्बन रिंग रहता है और 3 इसमें 6 कार्बन के रिंग्स होते हैं. तो इट इज़ ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, और एक क्रिस्टलाइन लिपिड के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है स्टेरॉइड. तो स्टेरॉइड को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यूज़ करके वी कैन प्रिपेयर इन द लैब. तो स्टेरॉइड के लिए जनरली वी गो विद द यू कैन से फंगस है एक राइजोपस स्टोलोनीफर
राइजोपस टोलोनिफर, दिस इज द राइ फंगस. इस फंगस को यूज़ करके वी कैन एक्चुअली प्रिपेयर द स्टीरोइड. और स्टीरोइड एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं. तो ये जो था सबसे पहले मूरे नाम के एक साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था इस फंगस से स्टीरोइड को. अब स्टीरोइड के ये जो स्टीरोइड है जो भी प्रिपेयर हुआ इस फंगस से, इसका इसको हम हाइड्रोक्सीलेशन से प्रिपेयर कराते हैं. हाइड्रोक्सीलेशन कराते हैं स्टीरोइड का विद दिस फंगस, देन वी गेट दिस स्टीरोइड. अब फंगस जो स्टीरोइड है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, यू विल सी. स्टीरोइड एक तो है कॉर्टिसोन में यूज़ होता है. कॉर्टिसोन में प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिडोसोल, ये दो हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, वहाँ पे यूज़ होता है. और कॉर्टिसोन को हम रूमेटाइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. वी हैव सर्टेन यू कैन से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी स्टीरोइड प्रेजेंट होते हैं, जनरली प्रेडनिसोल. ठीक है, वहाँ पे भी दी स्टीरोइड्स आर प्रेजेंट. देन आफ्टर दिस कुछ स्टीरोइड्स लिए जाते हैं फॉर टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम. ठीक है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए भी लिया जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस हम किस केस में करवाते हैं, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या फिर देर इज़ सर्टन अदर केस लाइक कि जैसे किसी का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ या किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ, इन दैट केस वी टेक दिस इम्यूनो सप्रेसेंट. तो स्टीरोइड्स वहाँ पे भी काम करते हैं, दे एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट. एंड जैसे किसी पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उस केस में भी स्टीरोइड्स दिए जाते हैं. तो दीज आर द यूजेज ऑफ स्टीरोइड्स. तो स्टीरोइड भी बहुत बेनिफिशियल है एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज. फिर इसमें हम बात करते हैं कॉर्टिसोन एंड इट्स डेरिवेटिव हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, एंड देन वी कैन टेक फॉर दी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट. फिर उसके बाद है प्रेडनिसोल. प्रेडनिसोल भी जो एक स्टीरोइड है, प्रेडनिसोल, ओके, ये जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की तरह काम करता है. इट इज़ एक्टिंग एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. तो ये कुछ यूजेस हैं स्टीरोइड के एंड विच कैन बी यूज्ड एज द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन. सो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम वैक्सीन्स की बात करेंगे. तो वैक्सीन भी कैसे इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं इसी में ही, बिकॉज अभी ये ज़्यादा लंबी नहीं हुई है वीडियो, तो वी कैन कवर दिस टॉपिक इन दिस वीडियो ऑल्सो. तो वैक्सीन कैसे हमें बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में हेल्प करता है, विल सी हियर. तो वैक्सीन में वी कैन टॉक अबाउट वैक्सीन. सबसे पहले एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया था, दिस यू ऑल नो. ठीक है, इसके बाद लुईस पाश्चर आए थे. लुईस पाश्चर ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था. लुईस पाश्चर ने भी इम्यूनाइजेशन पे काफ़ी काम किया था एंड दे बोथ गेट द क्रेडिट फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन. तो पहले जो वैक्सीन प्रिपेयर होते थे वो किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल वैक्सीन का क्या है, जनरली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो लिविंग हो या फिर हम उसको वीक करके अटैनुएट करके वी एक्चुअली इंसर्ट इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जस्ट टू प्रिपेयर द एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन. ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है वैक्सीन का. तो पहले जो वैक्सीन जनरेट होते थे दोज आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन. ठीक है, तो उस टाइम पे यही होता था, हीट किल किया जाता था ऑर्गेनिज्म को या फिर वीक करके अटैनुएट करके वी इंट्रोड्यूस दैट. देन आए सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में थोड़ा सा और एडवांसमेंट्स की गई. फिर उसके बाद आए थर्ड जनरेशन वैक्सीन को भी ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक वैक्सीन. इनको हम सिंथेटिक वैक्सीन्स भी बोलते हैं. ठीक है, ये सब पहले से आए, लेकिन अभी बायोटेक्नोलॉजी में व्हाट द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू प्रिपेयर, दे आर ट्राइंग टू प्रिपेयर एडिबल वैक्सीन. ओके, एडिबल वैक्सीन्स प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर थिंकिंग कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके लाइक प्लांट के प्रोडक्ट को यूज़ करके हम कुछ वैक्सीन्स को लाइक दोज आर एडिबल वैक्सीन, लाइक दोज आर नॉट कॉजिंग एनी हार्म इन दी प्लांट. ठीक है, तो उसको बनाना के प्लांट में या टमेटो के प्लांट में हम इंट्रोड्यूस करके उसको हम एडिबल बना सकते हैं. कि बजाय उससे क्या होगा कि एक तो स्टोरेज प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, वैक्सीन को स्टोर करके रखना नहीं पड़ेगा फॉर दी लॉन्ग टर्म. एंड स्टोरेज के साथ साथ ये बहुत ईजी हो जाएगा और इसको लेट्स से कि इनटेक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये एक्सपेंसिव भी नहीं रहेगा. तो एडिबल वैक्सीन्स बनाने की कोशिश चल रही है फॉर सर्टन
डिजीजेस. सो इससे क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है स्टोरेज की, और यू कैन से वैक्सीन की जो रिवर्ट होने की जो प्रॉपर्टी है उससे बचा जा सकता है, और इजीली इसको कंज्यूम किया जा सकता है इन वेरी लेस स्पैन ऑफ द टाइम. सो दिस इज़ वॉट दी बायोटेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग. सो नाउ यू कैन सी किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं. तो वी आर कमिंग टू नो लाइक वेयर वी कैन यूज़ दी बायोटेक. सो बायोटेक के जितने भी एप्लीकेशंस आपको बताए जा रहे हैं ये रियल लाइफ में हैं, एंड दिस एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी इमर्जिंग फील्ड. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन मैनिपुलेशन एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है जिसमें हमें इसके बहुत सारे यूजेस के बारे में पता चल रहा है. सो आई होप यू विल एन्जॉय दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, और क्या क्या चीज़ें हमने जैसे मेडिसिन में कैसे यूज़ किया इसको, एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ किया ये हम देख चुके हैं. फिर इसमें हम बहुत सारी और भी चीज़ें विल डिस्कस लेटर ऑन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.